आपको लगेगा ओके द क्वेश्चन एंड दी सेक्शंस आर वेरी फैमिलियर क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं बुक कौन सी रिकमेंडेड है तो देखो इन शॉर्ट सेक्शन सब में सेम लिखे होते हैं लेकिन हाँ अगर आपके पास मुनीष भंडारी सर की बुक है तो मेरे लिए ईजी आपके आप दोनों का हम लोग का कनेक्ट करना ईजी इसलिए हो जाएगा कि मैं अभी मेरे सामने मुनीष भंडारी सर की बुक रख के ही आपको रख क्या करवा रही हूँ रिवाइज करवा रही हूँ और कुछ जो पॉइंट्स हैं मैंने कुछ कंपाइलर वगैरह हैं या फिर पास्ट के पेपर्स हैं जिसको देख के क्वेश्चन को देख के मैंने उसे एनालाइज करके रखा है आपके लिए तो कुछ क्वेश्चन के क्रक्स वहाँ से उठ के आते हैं जो आपको ऑब्वियसली सर की बुक में शायद ना भी मिले सो लेट लेटस स्टार्ट विद द बोर्ड मीटिंग अब सबसे पहले जो हमको बोर्ड मीटिंग के बारे में बोला है तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज बोर्ड मीटिंग इंटेंशनल होना चाहिए सी आई एम नॉट गोइंग टू रीड द थिंग्स ऑब्वियसली मैं सिर्फ आपको एक एक चीज क्या बताऊँगी इंटरप्रिटेशन सो लेट स्टार्ट बोर्ड मीटिंग क्या होना चाहिए बोर्ड मीटिंग शुड बी इंटेंशनल इट शुड बी वॉट इंटेंशनल इफ द बोर्ड मीटिंग इज इंटेंशनल दैन ओनली इट इज़ अ वेलिड मीटिंग ना वॉट इज मीनिंग ऑफ इंटेंशन तो इंटेंशन का मतलब यह है कि अगर चार डायरेक्टर्स जस्ट बाय चांस क्या हो गया किसी होटल में मिल गए और बैठ के बातचीत कर ली दैट डजेंट मीन कि ये बोर्ड मीटिंग है एक्सीडेंशल मीटिंग इज़ नॉट अ बोर्ड मीटिंग नॉन इंटेंशनल मीटिंग इज नॉट अ बोर्ड मीटिंग भले ऑफिस में भी वो लोग मिल रहे होंगे लेकिन अगर इंटेंशन नहीं था बोर्ड मीटिंग करने का तो इट इज़ नॉट अ वैलिड बोर्ड मीटिंग तो मीटिंग इंटेंशनल होनी चाहिए नॉन इंटेंशनल मीटिंग इवन दो इन द ऑफिस इज नॉट अ बोर्ड मीटिंग अब ये पता कैसे चलेगा कि इंटेंशन था बोर्ड मीटिंग का तो बोर्ड मीटिंग के लिए ऑलवेज यू सेंड नोटिस आप क्या देते हैं नोटिस देते हैं किसको देते हैं मीटिंग का नोटिस एवरी डायरेक्टर को एवरी डायरेक्टर इज द वर्ट आई एम फोकसिंग ऑन एवरी डायरेक्टर को क्या करते हो आप क्या देते हो फिर नोटिस ऑफ द मीटिंग देते हो दैट मीन्स इट इज इंटेंशनल इंटेंशन है आप सबको क्या कर रहे हैं बुला रहे हैं जब भी आप इंटेंशनल मीटिंग करते हैं तो साथ में यू हैव टू कम्प्लाई सर्टन थिंग्स यू हैव टू वॉट कम्प्लाई सर्टन थिंग्स अब कम्प्लाई कैसे करना है यू हैव टू कम्प्लाई विथ सेक्शन नंबर वन सेवेंटी थ्री उसके साथ में आपको सेक्शन नंबर 174 भी कंप्लाई करना होगा एंड यू हैव टू सी इफ समथिंग इज रिटर्न इन योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन रिलेशन टू दैट मीटिंग इन शॉर्ट इफ आई एम कॉलिंग अ मीटिंग व्हेन आई एम कंप्लाइंग विद सेक्शन 173 व्हेन आई एम कंप्लाइंग विद सेक्शन वन सेवेंटी फोर एंड इफ सम डिफरेंट इज़ रिटर्न इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आई हैव टू कंप्लाई विद डेट ऑल्सो देन इट इज़ अ वैलिड मीटिंग अगर मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहूँ एक इक्वेशन लिखो तो होगा इंटेंशनल मीटिंग प्लस सेक्शन वन सेवेंटी थ्री प्लस सेक्शन वन सेवेंटी फोर प्लस आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन इज इक्वल टू अलिड मीटिंग ये सब करके क्या बनता है एक वैलिड मीटिंग हमारा बनता है इसके बाद क्या है अब बोलते हैं वैलिड मीटिंग करने की अथॉरिटी किसके पास है हु इज है अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग तो बोलते हैं रेगुलेशन नंबर सिक्सटी सेवन टेबल एफ का टेबल एफ का रेगुलेशन नंबर सिक्सटी सेवन है रेगुलेशन नंबर सिक्सटी सेवन ऑफ द टेबल एफ एफ में लिखा है कि डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं मीटिंग डायरेक्टर्स मीटिंग कॉल कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद मीटिंग कॉल करेगा मीटिंग डायरेक्टर कॉल करेंगे लेकिन हाँ कंपनी सेक्रेटरी नोटिस इशू कर सकता है जब डायरेक्टर रिक्वेस्ट करते हैं ऑन रिक्वेजिशन और ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी क्या कर सकता है नोटिस इशू कर सकता है बट खुद से मीटिंग कॉल नहीं कर सकता तो इंटेंशनल मीटिंग होनी चाहिए 174, 173 सेवेंटी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंप्लाई होगा तो वैलिड मीटिंग है मीटिंग कॉल कौन कर सकता है तो मीटिंग कॉल करने का पावर रेगुलेशन 67 टेबल एफ कहता है डायरेक्टर्स कर सकते हैं लेकिन कंपनी सेक्रेटरी कैन इश्यू द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ और यहां पे लेकिन सपोज करें अगर कंपनी सेक्रेटरी ने जो नोटिस दिया है वो नोटिस इम्रॉपर है इफ़ द नोटिस इज़ वॉट इमप्रॉपर तो अगर इम प्रॉपर नोटिस है तो इम प्रॉपर नोटिस क्या हो सकता है रेटिफाई किया जा सकता है इम प्रॉपर नोटिस कैन बी रेटिफाई वो चल जाएगा फिर यहाँ पर पूछते हैं अगर हम नोटिस इशू कर रहे हैं पॉइंट टू बी नोटेड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ दिस सेक्शन जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट एरिया होगा मैं आपको इस तरह से बोल दूँगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैं नोटिस का अब आपको बताने जा रही हूँ इस पर कम से कम तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो कहते हैं यहाँ पे सर्विस ऑफ इम प्रॉपर नोटिस तो रेक्टिफाई हो सकता है बोलते हैं बोर्ड मीटिंग में क्या एजेंडा देने की जरूरत है जब नोटिस आप दे रहे हैं किसका जब नोटिस आप दे रहे हो बोर्ड मीटिंग का इज़ इट रियली रिक्वायड दैट आप नोटिस में क्या लिखें कि क्या एजेंडा होगा क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आपके बोर्ड मीटिंग में तो यहाँ पर क्या बोला जाता है ये ज़रूरी तो नहीं है इट इज़ नॉट नीडेड कि क्या हो कि आप नोटिस में एजेंडा पूरा लिख के दें लेकिन हाँ आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपल्शन दे सकता है और ये एक गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होती है ये क्या है एक गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है जिससे अगर आप अपने बोर्ड मीटिंग के नोटिस में इंक्लूड करेंगे कि व्हाट आर द मैटर्स क्या डिस्कस करने वाले हैं तो ऑलरेडी डायरेक्टर्स क्या रहेंगे पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं तो यहाँ बोला है कि अगर आप नोटिस दे रहे हैं बोर्ड मीटिंग का वैसे तो कोई नीड नहीं है कि एजेंडा होना चाहिए बट आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन कंपल्शन क्रिएट कर सकता है अगर सपोज़ कीजिए मैम हमने नोटिस इशू कर दिया बोर्ड मीटिंग है बोर्ड मीटिंग का नोटिस चला गया अब कुछ ऐसे मैटर्स है जो बोर्ड मीटिंग के नोटिस में इंक्लूड नहीं हो पाए तो अगर बोर्ड मीटिंग के नोटिस में इंक्लूड नहीं हो पाए तो क्या बोर्ड मीटिंग में उसका डिस्कशन ही नहीं होगा तो बोलते हैं अगर बोर्ड मीटिंग के नोटिस में ये नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्कस नहीं कर सकते कर सकते उसको भी डिस्कस लेकिन चेयरपर्सन की आपको क्या लगेगी परमिशन लगेगी तो मैटर नॉट डिस्कस्ड और इंक्लूडेड इन नोटिस मैटर नॉट डिस्कस्ड और दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द नोटिस कुड बी डिसाइडेड कुड बी डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग विद द चेयरपर्सन परमिशन आपको चेयरपर्सन की परमिशन लगेगी ही लगेगी मैम चेयर पर्सन कौन है चेयर पर्सन आप अभी के लिए समझ के चलो ही इज़ द कैप्टन ये क्या है एक कैप्टन है जो आपकी पूरी मीटिंग को कंडक्ट करवाता है प्रॉपर मैनर के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे बोलते हैं जैसा मैंने बोला कि जब बोर्ड मीटिंग हो रही है इंटेंशन को देखना इंटेंशन के साथ आपको 173 सेक्शन को कंप्लाई करना है एंड 173 सेक्शन के साथ 174 कंप्लाई होना चाहिए 174 सेवनटी फोर इज़ नथिंग बट कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं और देखो हम जगह जब बोल रहे हैं ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपल्शन दे सकता है एजेंडा इंक्लूड करने का मतलब वो जो इक्वेशन हमने लिखी है इंटेंशन मीट इंटेंशन ऑफ द मीटिंग प्लस वन सेवेंटी थ्री प्लस वन सेवेंटी फोर प्लस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू वैलिड मीटिंग ये बिल्कुल कंप्लाई होता है अब मैम बोर्ड मीटिंग अगर हो रही है तो बोर्ड मीटिंग में वोट कैसा होगा बोर्ड मीटिंग अगर आपका हो रहा है तो बोर्ड मीटिंग में जो वोट होगा वोटिंग बाय पोल नहीं होता है शो ऑफ हैंड ही होता है वोटिंग बाय पोल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वोटिंग बाय पोल में प्रॉक्सी को भी अलाउ किया जाता है कि वो वोट करे लेकिन एक बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है बोर्ड मीटिंग में कोई प्रॉक्सी नहीं हो सकता है इसलिए जो बोर्ड मीटिंग है वहाँ पे शो ऑफ हैंड करना होगा शो ऑफ हैंड से ही क्या होते हैं वोट होते हैं और एक डायरेक्टर को एक ही वोट होता है एक डायरेक्टर का एक वोट या शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग वोट नहीं होते हैं इन जनरल ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसे ध्यान रखना इन जनरल तो वोटिंग जो होती है इन जनरल जो वोटिंग होती है वह मेजॉरिटी ही देखा जाता है किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए डिसीजन को पास करने के लिए लेकिन तीन केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपका मेजॉरिटी काम नहीं करेगा जहाँ एनोमिनस रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है वोटिंग जब होगी बोर्ड मीटिंग में तो हैंड पुलिंग के थ्रू शो ऑफ हैंड से होगी वोटिंग बाय पुल नहीं होगी क्योंकि प्रॉक्सी नहीं होता है ये हमने समझा हमने ये भी देखा कि एक डायरेक्टर का एक वोट होता है मेजॉरिटी बेसिस पे कोई भी प्रपोजल डिसाइड होता है लेकिन यहाँ बोलते हैं कुछ केसेस तीन केसेस ऐसे हैं जहाँ अनोमिनस रेजोल्यूशन इज नीडेड तो वो अनोमिनस रेजोल्यूशन क्या है तो एनोमिनस रिजोल्यूशन कहाँ कहाँ पे नीडेड है सबसे पहले अगर आप ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी कंपनी में आप किसी ऐसे पर्सन को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जो ऑलरेडी किसी और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर है गिविंग यू एन एनालिसिस ओवर आप ऐसे किसी पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर है अगर हम वो सी एस है दूसरी कंपनी में क्या हम अभी अगर उसे मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करेंगे चलेगा हाँ वो चलेगा वहाँ एनोमिनस रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है अनोमनस रेजोल्यूशन सिर्फ तब चाहिए जब सामने वाला दूसरी कंपनी में या तो मैनेजर है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है और हमारी कंपनी में उसे आप सिर्फ क्या कर रहे हो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो इसका मतलब मैम अगर वो वहाँ मैनेजर हो और यहाँ पे भी हम उसे मैनेजर की तरह अपॉइंट कर रहे हैं अगेन कोई अनोमिनस रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह उसे अपॉइंट करेंगे तभी क्या लगेगा अनोमिनस रेजोल्यूशन नीडेड होगा सेकेंड केस ऑफ अनोमनस रेजोल्यूशन पावर टू मेक लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट पावर टू मेक लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सेक्शन नंबर वन एटी सिक्स जो आज हम करेंगे वन एटी सिक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ क्लियरली बोला है कि अगर आपको लोन गारंटी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना है लोन गारंटी सिक्योरिटी इशू करनी है सिक्योरिटी ये वो सिक्योरिटी नहीं शेयर वाली सिक्योरिटी मतलब लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज़ देते हैं ये उसकी बात कर रहा है तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं गारंटी देना चाहते हैं सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार सेक्शन वन को आपको देखना होगा सेक्शन वन बोलता है आपको ऑलवेज एनोमिनस रेजोल्यूशन की ज़रूरत है और यहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे कि एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो जनरल मीटिंग में भी स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन थर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन भी कुछ मैटर्स ऐसे बता सकता है आपका जहाँ पे अनोमस रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है इसके अलावा एक डिपॉजिटर वाला है जो अभी हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर रहते हैं कि देखो एक बार क्विक रिविज़न मीटिंग इंटेंशनल होनी चाहिए 173 174 आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन को कम्प्लाई करेगी तो वो वैलिड मीटिंग कहलाएगी कौन कॉल कर सकता है मीटिंग डायरेक्टर कॉल कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी बिहाफ ऑफ डायरेक्टर के नोटिस इश्यू कर सकता है नोटिस इम्प्रॉपर हुआ रेक्टिफाई हो सकता है नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग में ज़रूरी नहीं है एजेंडा देना पड़े लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपल्शन क्रिएट कर सकता है एजेंडा देना एक गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है जिससे सामने वाले को पता चलेगा क्या डिस्कशन होने वाला है तो ही वुड बी वेल प्रिपेयर कोई ऐसा मैटर जो डिस्कस नहीं हुआ है नोटिस में या इंक्लूड नहीं हुआ है क्या उसको भी डिसाइड किया जा सकता है बोर्ड मीटिंग में बिल्कुल चेयरपर्सन की परमिशन से यहाँ पे बोलते हैं वोटिंग कैसी होगी वोटिंग बाय पुल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉक्सी अलाउड नहीं है आपको हैंड शो करना होगा और डायरेक्टर का एक वोट जो होगा एक वोट एक डायरेक्टर का होगा यहाँ पे मेजॉरिटी बेसिस पे इन जनरल सारे डिसीजनस होते हैं लेकिन कुछ जगहों पे अनोमिनस रेजोल्यूशन चाहिए उसमें हमारा पहला केस था अगर ऑलरेडी हम किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी और कंपनी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है या फिर सेकेंड चीज़ वन सेक्शन का कंप्लाइंस या फिर आर्टिकल कहता है जहाँ जहाँ पे वो उन सारे मैटर्स में क्या लगेगा अनोमनस रेजोल्यूशन लगेगा ही लगेगा ये अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरा आपका चल रहा है जो कहीं कहीं क्या है इम्पॉर्टेंट है अब बोलते हैं अगर एनोमिनस रेजोल्यूशन नहीं है तो जैसा कि मैंने बोला मेजॉरिटी बेसिस पे ही क्या हो गया मेजॉरिटी वोट्स होने चाहिए तभी डायरेक्टर क्या करेगा डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग का कोई डिसीजन होगा अब ये जो मेजॉरिटी है मेजॉरिटी कैसे देखोगे आप मेजॉरिटी देखोगे वो जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं मेजोरिटी उन डायरेक्टर्स का होगा टोटल सपोज मेरे कंपनी में ट्वेंटी फाइव डायरेक्टर्स हैं सपोज इन माई कंपनी देर आर ट्वेंटी फाइव डायरेक्टर्स बट मुझे ट्वेंटी फाइव डायरेक्टर्स नहीं देखने हैं अभी बोर्ड मीटिंग में अगर ट्वेंटी फाइव की जगह ओनली ट्वेंटी डायरेक्टर्स हैं और उसमें भी वोट करने वाले फिफ्टीन डायरेक्टर्स हैं तो मेजॉरिटी होगा डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन वोटिंग जो डायरेक्टर प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उनका देखा जाएगा दैट मीन्स मुझे एबसेंट डायरेक्टर को काउंट नहीं करना है जो डायरेक्टर प्रेजेंट है लेकिन वोट नहीं कर रहे उनको काउंट नहीं करना है इनफैक्ट इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट नहीं कर सकता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी क्या नहीं कर सकता है वोट नहीं कर सकता है अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने वोट किया तो वो क्या होगा वॉइड हो जाएगा रेजोल्यूशन क्या होगा वॉइड होगा कहते हैं कोई भी रिजोल्यूशन अगर पास होता है तो किस पे बाइंडिंग होता है तो यहाँ बताया है कि रिजोल्यूशन अगर कोई भी पास होता है तो वो बाइंडिंग होगा किस पे डायरेक्टर्स जो फेवर में थे उनके, उनके भी उन पर भी बाइंडिंग हो जाएगा और कुछ लोगों ने सपोज वोटिंग करते वक्त अगेंस्ट में वोट किया है तो रेजोल्यूशन उनके लिए भी क्या होगा बाइंडिंग होगा दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेटेड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द बोर्ड मीटिंग कि बोर्ड मीटिंग में क्या कंप्लाइंस होना चाहिए वोट कैसा होगा रेजोल्यूशन किन पे बाइंडिंग होगा और रेजोल्यूशन में मेजॉरिटी कब आएगी अनोमस रेजोल्यूशन कब आएगा अब कुछ क्वेश्चन के आपको क्रक्स यहाँ पे सेक्शन नंबर यहाँ पे आपका टेबल एफ़ रेगुलेशन सिक्सटी एट टेबल एफ़ जो रेगुलेशन सिक्सटी एट है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है वो कहता है जब जब आपको कहीं आंसर में ऐसा लिखना हो कि मेजॉरिटी बेसिस पे आता है डिसीजन जब भी आपको क्या करना हो आंसर में लिखना हो कि मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन लेना है तो वो क्या रेफर कर करके आप लिखोगे तब आप लिखेंगे कि टेबल एफ़ रेगुलेशन सिक्सटी एट टेबल एफ़ रेगुलेशन सिक्सटी एट बोलता है कोई भी क्वेश्चन होगा बोर्ड का तो वो मेजॉरिटी बेसिस पे डिसाइड होगा तो कहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी बेसिस टेबल एफ़ सेक्श रूल रेगुलेशन नंबर सिक्सटी एट में लिखा है ये आपके आंसर में मेंशन होता है तो ऑब्वियसली एवरेज से वो थोड़ा सा आंसर अच्छा हो जाता है देन इसके बाद अगेन यहाँ पे बोलता है सपोज करो हमने बोला हाँ क्या सपोज़ करना है सपोज करो आपका जो मीटिंग आपने बोला था ठीक है आपकी जो मीटिंग है मीटिंग आपकी कंडक्ट करनी थी आपको अब ये बोलते हैं कि चाहे आप एक्ट की बात ले लो चाहे आप टेबल एफ़ की बात ले लो चाहे एक्ट की बात करो चाहे टेबल एफ़ की बात करो तो कहीं पे भी पोस्टपोन करने का प्रोविज़न भी नहीं लिखा है और कहीं भी अर्ली डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग भी नहीं लिखा है यहाँ कहीं नहीं लिखा है एक्ट में या टेबल एफ में कि मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहिए या फिर टेबल एफ या एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि अर्ली डेट पे मीटिंग होगी तो क्या होगा तो यहाँ बोलते तो यहाँ बोलते हैं <coughs> तो यहां बोलते है, आर्टिकल आपका चेक करना पड़ेगा क्या आपका आर्टिकल अलाउ करता है कि बोर्ड मीटिंग अर्ली डेट पर हो सकती है अगर आर्टिकल अलाउ करता है तो आप अर्ली डेट पे भी मीटिंग कर सकते हो नहीं तो आपको चेयर पर्सन के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करना होगा और फिर वो जो डिसीजन लेंगे उस अकॉर्डिंग आपकी मीटिंग क्या होगी अर्ली डेट पे हो जाएगी एक ने तो ना पोस्टपोनमेंट का बुलाया है एक ने ना अर्ली डेट का बोला है लेकिन हाँ अर्ली डेट पर अगर करना है तो आर्टिकल देखना पड़ेगा और आर्टिकल अगर अलाव करता है तो ठीक है नहीं तो चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करेंगे आप उनके साथ बैठ के सूटेबली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो सकता है सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ सिक्सटीन टू सेवेंटीन मिनट का इंट्रोडक्शन दैट वॉज ओनली रिलेटेड टू ओवरऑल बोर्ड मीटिंग में होता क्या है अब हम आते हैं किस पे 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन वन पे इस 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन वन के साथ हमें किसको रेफर करना है 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन फाइव उसके बाद तो देखो भाई मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है ऑडियो विजुअल मीन्स क्या क्या होने चाहिए वो उसका हम क्रक्स करेंगे तो सबसे पहले बोलते हैं वन सेवेंटी थ्री सबसेक्शन वन मिनिमम फोर बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए कितनी मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम फोर बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए मैक्सिमम मैक्सिमम का कोई बार नहीं है मिनिमम बोर्ड मीटिंग आपकी फ़ोर होनी चाहिए मैक्सिमम का कोई बार नहीं है लेकिन जब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से थर्टी डेज़ के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो जाना चाहिए और इसके बाद बोलते हैं चार बोर्ड मीटिंग इंक्लूडिंग ऑब्वियसली द फर्स्ट मीटिंग लेकिन सब्सिक्वेंट ऐसा लिखा होता है बट फोर बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट एक कैलेंडर ईयर में यहाँ पे कैलेंडर मेंशन नहीं है बट वी हैव टू रेड इट एज़ कैलेंडर ईयर तो बोलते हैं कि अगर आपके इनकॉपोशन से थर्टी डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और उसके बाद कैलेंडर ईयर में आपकी क्या हो जानी चाहिए मीटिंग एटलीस्ट फोर बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए हर एक बोर्ड मीटिंग के बीच का जो गैप है हर एक बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप एटलीस्ट नहीं बोला है सिर्फ वन ट्वेंटी डेज अप टू वन ट्वेंटी डेज होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन कुछ कंपनी है जैसे सेक्शन एट कंपनी हो गया प्राइवेट कंपनी जिनका स्टार्टअप है डॉर्मेंट कंपनी है स्मॉल कंपनी है ओ है तो सेक्शन एट कंपनी प्राइवेट कंपनी जिसका स्टार्टअप है डॉर्मेंट कंपनी स्मॉल कंपनी ओ कंपनी यहाँ बोला है इन्हें हर कैलेंडर हर सिक्स मंथ में मतलब हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग करनी होगी मतलब ईच ईयर इन्हें दो ही मीटिंग करनी एक इस छः महीने में एक नेक्स्ट सिक्स मंथ में उन्हें मीटिंग करनी होगी एंड यहाँ पे कम से कम नाइन्टी डेज़ का गैप तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे क्या बोल रहा है दोनों के बीच में जो गैप होगा दोनों मीटिंग्स के बीच में जो गैप होगा वो कितना होना चाहिए नाइन्टी डेज़ का गैप मस्ट है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है इसके बाद बोलते हैं लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन क्या है जो आपकी प्राइवेट कंपनी है और जो स्टार्टअप है उसे ये एग्जेमशन तभी मिलेगा अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई भी क्या ना किया हो नहीं किया होना चाहिए अगर मैम ओ है और ओ में सिर्फ एक डायरेक्टर है अगर ओ है और ओ में सिर्फ एक डायरेक्टर है तो उसे कोई बोर्ड मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अब यहाँ पे ध्यान रखना बोर्ड मीटिंग चल रही है बोर्ड मीटिंग चलते चलते क्या हो रहा है सपोज करो एक डायरेक्टर ट्वेल्व मंथ से बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है ही हिमसेल्फ एबसेंट फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग से ट्वेल्व मंथ्स के लिए क्या हो गया एक डायरेक्टर ने अपने आप को एबसेंट करके रखा है तो यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे सेक्शन नंबर वन सिक्सटी सेवन भी आपको लिंक करा हुआ मिल सकता है इन द क्वेश्चन तो अगर बोर्ड मीटिंग है बोर्ड मीटिंग में ट्वेल्व मंथ्स होते हैं अगर बोर्ड मीटिंग के ट्वेल्व बारह महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई सामने वाला एब्सेंट कर रहा है हम तो वन दैट इज़ वेकेशन ऑफ ऑफिस आ जाएगा अब सपोज करो नेक्स्ट पॉइंट हमने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की बोर्ड मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई हमने क्या किया बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की ठीक है अब कोरम नहीं था बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की लेकिन क्या नहीं था कोरम नहीं था तो कोरम नहीं, तो नहीं होने से ऑटोमेटिक एडजॉन होती है बोर्ड मीटिंग ऑटोमेटिक क्या होती है एडजॉन होती है बोर्ड मीटिंग ऐसा एक्ट में लिखा है ठीक है तो यहाँ पे अब सपोज़ करो एडजॉन्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर वन ट्वेंटी डेज़ है तो क्या ये एक डिफ़ॉल्ट कहलाएगा कि एडजॉन्ट मीटिंग कैसे वन ट्वेंटी डेज़ के बाद हो गई बिकॉज दो मीटिंग्स के बीच का गैप वन ट्वेंटी डेज़ ही होना चाहिए अप टू वन ट्वेंटी डेज उससे कम हो चलेगा लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए वन ट्वेंटी डेज का क्या होना चाहिए गैप तो चाहिए अब यहाँ पे जो एडजॉन्ट बोर्ड मीटिंग है मैम एडजॉन्ट बोर्ड मीटिंग का क्या करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो एडजॉन्ड बोर्ड मीटिंग है आपकी ये मेयर कंटिन्यूएशन है मेयर कंटिन्यूएशन है किसका ओरिजिनल मीटिंग का यू हैव टू पुट दिस वर्ड जो वर्ड अभी मैंने बोले मेयर कंटिन्यूएशन है ये किसका मेयर कंटिन्यूएशन है आपके ओरिजिनल मीटिंग का तो दिस वर्ड शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर ये क्या होना चाहिए आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए ये भी एक क्या था आपके क्वेश्चन का क्रक्स था इस तरह का क्वेश्चन पूछ के रखा था तो दिस इज नथिंग बट 173 जिसके साथ में हमने 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन फाइव को भी क्या किया है देखा है अब आते हैं हम किस पे अब आते हैं हम बाकी के सेक्शंस पे जैसे कि 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन टू अब 173 सेवेंटी थ्री सबसेक्शन टू ऐसे तो बहुत लंबा दिखने में है बट लॉजिकल बहुत है इसमें कुछ याद रखना पड़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है तो देखो 173 क्या बोलता है किस मैनर में पार्टिसिपेट किया जा सकता है बोर्ड मीटिंग में तो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट अगर आपको करना है तो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हो और ऑडियो विजुअल मीन होना चाहिए ऑडियो विजुअल दोनों होने चाहिए सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ़ ऑडियो होगा या फिर सिर्फ विजुअल होगा दोनों होना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स है तो आप कंफर्म क्या कर सकते हो मीटिंग का पार्ट बन सकते हो लेकिन प्रॉक्सी इस मीटिंग में नहीं आ सकते हैं को ओनली ऑडियो नहीं चल पाएगा ठीक है इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि लॉ ही अलाउ करता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल जाएगा तो यहाँ पे अगर कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे अगर कंपनी किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पावर नहीं देती है मतलब कंपनी ने अलाउ नहीं किया है कि आप क्या करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करें तो डायरेक्टर खुद से अरेंजमेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकता है यहाँ कंपनी के ऊपर डिस्क्रिप्शन है क्या कंपनी अ डायरेक्टर में लिखा है अ डायरेक्टर मे अटेंड अ बोर्ड मीटिंग चाहे तो तो यहाँ कंपनी अगर चाहती है कि डायरेक्टर आपका क्या करे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर ले तो कर सकता है लेकिन अगर कंपनी अलाव नहीं कर रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करने का और हमारा डायरेक्टर खुद से क्या करता है फैसिलिटीज़ अरेंज करता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड करेगा तो वो सही नहीं होगा उसके पास ये पावर नहीं है इसके बाद बोलते हैं कि अगर वीडियो ऑडियो विजुअल मीन्स में क्या हो रहा है आ, ये जो मीटिंग हो रही है तो उसके लिए बस ध्यान ये रखना होगा कि जो भी मीटिंग में हो रहा है प्रॉपरली रिकॉग्नाइज हो पाए रिकॉर्ड हो पाए स्टोर होना चाहिए रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड एंड क्या होना चाहिए स्टोर होना चाहिए लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिल्कुल डिसाइड नहीं किए जा सकते और वो कौन से मैटर हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिल्कुल डिसाइड नहीं हो सकते जैसे ऑडिट कमेटी की मीटिंग ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग है ऑडिट कमेटी की मीटिंग में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्सीडर किए जा रहे हैं दैट इंक्लूड्स कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिट कमेटी की मीटिंग में अगर कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर किए जा रहे हैं तो ये क्या नहीं हो सकते ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं कर सकते हो देन अगर आपको एनुअल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल लेना है बोर्ड मीट बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल लेना, लेना है या प्रोस्पेक्ट का अप्रूवल लेना है या फिर वो मैटर्स जो अमलगमेशन मर्जर डी मजर टेकओवर टेक ओवर से रिलेटेड है तो एमेलगमेशन मर्जर डी एक्व अमलगमेशन मर्जर डी मजर टेकओवर टेक ओवर इसका क्या बना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने अप्रूवल लेना है यहाँ पे बोर्ड मीटिंग वालों ने बोर्ड रिपोर्ट बनाई है उसका अप्रूवल लेना है ये जो एमल कमीशन वजेड इमेजर वाली कंपनी है उसको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना है उसका अप्रूवल लेना है या फिर आपने यहाँ पे इन कंपनी के लिए ऑडिट कमेटी बनाई है वहाँ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर करना चाह रहे हैं कि वो बोर्ड अप्रूव कर दे तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकता लेकिन इसका भी एक्सेप्शन दिया इसमें बोला है अगर कोरम बन जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा भी क्या होता है कोरम बन जाती है जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अटेंड कर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर प्रेजेंट जो फ़िज़िकल फॉर्म में प्रेजेंट है वहाँ पे कोरम हो जाती है तब इन्हें बोला जा रहा है कि ठीक है अब आप क्या कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं अब यहाँ पे मीटिंग को अटेंड करते वक्त यहाँ पे ना रूल नंबर थ्री दिया रूल नंबर थ्री ऑफ कंपनीज़ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड पावर एंड इट्स पावर रूल टू थाउजेंड फोर्टीन ये जो रूल है ना रूल थ्री मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल टू थाउजेंड फोर्टीन इसे थोड़ा सा याद रखना है ये रूल्स अगर आप जैसे सपोज करो बोर्ड मीटिंग का आपका क्वेश्चन आएगा तो आप जितने भी क्वेश्चन बोर्ड मीटिंग के देखेंगे ना क्लियरली वो शुरुआत इसी से करता है एज पर कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल ठीक है तो अगर आप भी ऐसा लिखते हो साथ में सेक्शन लिखते तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा क्या होगा एक क्वालिटी कंटेंट आपका प्रेजेंट होगा ठीक है अब इसके बाद क्या आता है यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा चेयरपर्सन को ये देखना है कंपनी सेक्रेटरी को ये देखना है कि रीजनेबल केयर किया जा रहा है सेफ गार्ड इंटीग्रिटी के लिए इसके बाद एवेबिलिटी होना चाहिए आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल जितना भी डिस्कशन हुआ है वो मिनट्स में इंक्लूड होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस जो मीटिंग का है हर एक डायरेक्टर को जाना चाहिए नोटिस जो मीटिंग का है यहाँ पे ध्यान रखना हर एक डायरेक्टर को जाना चाहिए भले एक डायरेक्टर खुद बोल रहा है कि मैं नहीं आ पाऊँगा एक डायरेक्टर बोल रहा है मैं इंटरेस्टेड हूँ कोई भी हो लेकिन नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग हर एक डायरेक्टर को जाएगा चाहे डायरेक्टर खुद बोल दे कि मैं नहीं आ सकता तो भी डायरेक्टर को नोटिस तो जाएगा ही जाएगा अगर मैम गलती से एक डायरेक्टर को नोटिस छूट गया तो यहाँ मान लिया जाएगा कि ये वॉइड है ऐसा नहीं हो सकता आपको एक एक को नोटिस देना है लेकिन हाँ सपोज करो उसे नोटिस नहीं मिला उसने अटेंड कर ली मीटिंग और उसने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया तो ये रेटिफाई हो सकता है तब क्या हो सकता है ये प्रॉपरली रेटिफाई हो सकता है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करने का मौका मिला है तो आप क्या करेंगे पहले इंटीमेशन देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहते हैं और एक बार साल की शुरुआत में पूरे साल का आप क्या दे सकते हो वैलिडेशन दे सकते हो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही फिर अटेंड करना है पर एक बार में वैलिडेशन दे दो कि हाँ भैया हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या करना चाहेंगे अटेंड करना चाहेंगे ठीक है अब इसके बाद देखो इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसको आपको दो चार बार क्या करना होगा अच्छे से रीड आउट करना होगा और बेसिकली इससे जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया जो क्वेश्चन ये था कि खुद डायरेक्टर क्या कर रहा है अरेंज कर रहा है अपना ऑडियो विजुअल मीन वो नहीं चलेगा दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये ज़रूरी है अगर सिर्फ ऑडियो हो वीडियो नहीं हो तो चलेगा तो क्या आपको बताना नहीं क्या लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस ऑडियो भी होना चाहिए वीडियो भी होना चाहिए सिर्फ वीडियो होगा ऐसा नहीं चल पाएगा अगर मैम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करें क्या कोरम में वो काउंट होंगे बिल्कुल ये लोग कोरम में काउंट किए जाएंगे लेकिन याद रखना कोरम में तब काउंट नहीं किए जाते जब वो पांच केसेस चल रहे हो जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ नहीं है वहाँ पे इन फिजिकल क्या होना चाहिए कोरम जरूरी होना चाहिए ऐसा हमने क्या किया था ऑलरेडी देखा था अब मैम नोटिस ऑफ द मीटिंग जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस ऑफ द मीटिंग में मैम शॉर्ट नोटिस शॉर्ट नोटिस के कंपनी दे सकती है देखो ऐसा है कि नोटिस शॉर्ट नोटिस कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको शॉर्ट नोटिस देना पड़ सकता है तो बोलते इन जनरल तो कम से कम सात दिन पहले नोटिस चला जाना चाहिए लेकिन अगर शॉर्ट नोटिस गया है और किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया है तो भी वैलिड होगा और दूसरी चीज अगर शॉर्ट नोटिस पे क्या किया है आपने पूरे डायरेक्टर्स ने मीटिंग कर ली है शॉर्ट नोटिस पे अब क्या हुआ यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे अगर आप सबको बुला रहे हो तो एटलीस्ट एक, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए आपकी बोर्ड मीटिंग में अगर आपकी बोर्ड मीटिंग में एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो क्या होगा जो भी रेजोल्यूशन आप बोर्ड मीटिंग में पास करोगे आपको सर्कुलेट करना होगा सारे डायरेक्टर्स को और एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रेटिफाई करेगा डोंट राइट रेक्टिफिकेशन ओवर है या रेटिफाई है या रेक्टिफिकेशन वर्ड नहीं है तो वो क्या करेगा रेटिफाई करेगा और जैसे ही वहाँ अगर सपोज करो मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तो यह रेटिफिकेशन नहीं है आप प्रॉपरली क्या कर सकते हो आप प्रॉपरली क्या कर सकते हो कि मीटिंग बुला सकते हो और वहाँ पे जो भी डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे उसके बाद अगर जनरल मीटिंग वालों की ज़रूरत पड़ती है डिसीजन की तो वो लिया जा सकता है तो ये जो है नोटिस की लेंथ जो सेवन डेज पहले होनी चाहिए शॉर्ट नोटिस ये भी क्या है बार बार पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको भी अच्छे से हमको क्या करना है रीड करके रखना है फिर इसके बाद क्या आता है अब यहाँ पे मैम क्या एडजॉन मीटिंग हो जाती है जैसे सपोज़ करो आपने बोला कोरम नहीं हो पाई कोरम नहीं तो हो पाई तो मीटिंग एडजॉन हो गई क्या एडजॉन मीटिंग का भी एक नया नोटिस देना पड़ेगा नया नोटिस नहीं देना होगा लेकिन अगर आपका आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन कहता है तो आपको फ्रेश नोटिस क्या करना पड़ेगा इशू करना ही पड़ेगा जब यहाँ पर क्या बोलते हैं देखो जब 174 हम पढ़ रहे होंगे 174 में क्लियरली लिखा है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल तो 174 जब आप पढ़ोगे स्पेसिफिकली कोरम का तो वहाँ बोला है कि कोरम के कारण अगर मीटिंग नहीं होती तो आर्टिकल कुछ और बोलता है तो हो सकता है एडजॉन ना हो, हो सकता है आर्टिकल ने बोला कि मीटिंग ही कैंसिल होगी तो मीटिंग क्या हो जाती है कैंसिल कर दी जाती है इसके बाद क्या आता है इसके बाद पेनल्टी है अगर एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग देखो बोर्ड मीटिंग का नोटिस जैसे हमने बोला कि सबको देना चाहिए ठीक है हर एक को आपको बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा एवरी डायरेक्टर चाहे डायरेक्टर खुद ही बोल दे कि आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड इट फिर भी आपको नोटिस देना एंड इफ इफ़ इफ़ वो पर्सन फेल होता है एवरी ऑफिसर हु फेल्स टू गिव द नोटिस तो उसको पेनल्टी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की लगेगी पेनल्टीज याद रखना मुश्किल है आई अग्री लेकिन आपको साथ साथ मेरे अभी एक लिस्ट बनाती जानी है कि बोर्ड मीटिंग में जितनी जिधर जिधर पेनल्टी लिखी है एक स्टिकी नोट लगाओ और ऊपर ही लिख के रख लो कि बोर्ड मीटिंग की ये पेनल्टी है इस चीज़ की ये पेनल्टी है तो जब भी आप रिवाइज कर रहे होगे तो एनी हाउ आपका रिविज़न क्या चल रहा होगा साथ साथ पेनल्टी का भी सी डोंट एक्सपेक्ट कि ऑडियो रिविजन लेक्चर वो ए, एस, इतने शॉर्ट होंगे कि आपको बस मैं शॉर्ट शॉर्ट में सब कुछ बोल के बोल दूंगी कि लो भैया हो गया प्रॉपर अगर मैं आपको एनालिसिस करवा रही हूँ जितना भी बोल पा रही हूँ उतना बोल के क्वेश्चन के क्रक्स ऑलरेडी मैंने इसमें इन बिटवीन बोल दिए हैं अब जब आप आपके पास जो भी बुक है आप जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे मैम ने बोला तो प्रॉक्सी नहीं आएगा यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल सॉरी टेबल एफ़ है रेगुलेशन सिक्सटी एट मैम ने कुछ बताया था एक जगह रेगुलेशन सिक्सटी सेवन भी होगा तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वही बता रही हूँ जो आपके क्वेश्चन के क्रक्स हैं ठीक है तो यहाँ पे याद रखना कि आपके ऑलरेडी मैं साथ में क्वेश्चन हूँ तो डोंट एक्सपेक्ट कि आधे एक घंटे में पूरा के पूरा चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा नहीं हाँ एक बार सुनने के बाद अगली बार आप क्या कर सकते हो उसको टू की स्पीड पे सुन सकते हो और ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा जिन्होंने क्लासेस नहीं की जिन्हें एनालिसिस वगैरह करना है तो वो सुन सकते हैं ये ऑडियोस ओके okay. अब एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि ईमेल के थ्रू शॉर्ट नोटिस भेजा गया ई के थ्रू क्या किया शॉर्ट नोटिस भेजा गया तो अब वो ये बोल रहे हैं कि हमें शॉर्ट नोटिस दिया अब ई के थ्रू दिया दैट इज़ नथिंग क्योंकि एक्ट खुद बोलता है ई के थ्रू भी क्या कर सकते हो नोटिस सेंड कर सकते हो हाँ शॉर्ट नोटिस पे ऑब्जेक्शन आ सकता है लेकिन हाँ लेकिन अब ई के थ्रू क्यों भेजा इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता भले ही आपका आर्टिकल भी ये लिख दे कि हम ईमेल के थ्रू मैसेज क्या नहीं देख पाएंगे नोटिस नहीं दे पाएंगे तो भी नहीं क्योंकि एक्ट अलाउ करता है सो इट इज़ इम मटेरियल दैट आर्टिकल कंटेन एनी प्रोविजन कोई भी प्रोविजन अगर आपके आर्टिकल में लिख के रखा है इस चीज़ से रिलेटेड तो वो इम होगा ये बात ध्यान रखना ठीक है इसके अलावा जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि शॉर्ट नोटिस से रिलेटेड क्या आएगा इम्पॉर्टेंट है वो तो शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने बहुत कुछ पूछ के रखा है एजेंडा के बारे में पूछा है और फर्स्ट मीटिंग का एमसीक्यू है कि सपोज करो आपकी कंपनी इनकोपरेट हुई है फिफ्थ ऑफ नवम्बर को टू ठीक है फर्स्ट मीटिंग कब हो जानी चाहिए तो आपको डेज काउंट करने हैं कि फिफ्थ से आपकी फर्स्ट मीटिंग कब होगी ठीक है तो ये छोटे छोटे एम वगैरह इसमें पूछे हैं तो दिस कम्प्लीट योर सेक्शन वन सेवेंटी थ्री इन टोटेलिटी नेक्स्ट ऑडियो में आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट ऑडियो में अब जो हमारे दूसरे सेक्शन थे जैसे वन एटी सिक्स वन एटी फाइव क्योंकि मैं पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको इतना डिटेल में करा रही हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो हम क्विकली क्या कर पाएंगे रिव्यू कर पाएंगे बट इसको विथ एनालिसिस देखना कंपल्शन था तो ये ऑडियो कैसा लगा यू हैव टू एनी हाउ टेल मी तभी मुझे पता होगा कि मुझे आगे लेक्चर आपको ऑडियो रिविज़न सीरीज़ देना बेनिफिशियल है भी या नहीं है ओके सो दिस इज़ अंकिता अरोरा एक्सपेक्टिंग योर रिप्लाई अगर मैं आपको आ, इतना सब कुछ दे रही हूँ तो आई एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे टू वे कम्युनिकेशन करके बताओ कि ये ऑडियो रिविज़न आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है ओके थैंक यू